जांजगीर चांपा जिला में पुलिस ने एक जालिम पिता को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने ही 2 साल के बच्चे को जान से मारने की नियत से जहरीली कीटनाशक दवाई पिला दिया था। मामला बमनीडी थाना क्षेत्र का है। आरोपी के नाम महेंद्र बंजारे, उम्र 25 साल, निवासी कपिसदा, थाना बमनीडी, जिला जांजगीर चांपा है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महेंद्र बंजारे का अपनी पत्नी के साथ घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था। उसकी पत्नी नाराज होकर 2 साल के बच्चे को पति के पास छोड़कर मायके चली गई, किंतु कुछ दिन बाद महिला ने पति को फोन कर बच्चे को देखने की इच्छा जताई। इस पर दोनों के बीच में फिर झगड़ा हो गया। ऐसे में महेंद्र ने अपने 2 साल के बच्चे को जान से मारने की नियत से घर में रखे जहरीली कीटनाशक दवाई को पिला दिया। बच्चे की हालत को देखकर बच्चे के दादा, उसके बड़े पापा को शक हो गया। तत्काल इलाज के लिए बच्चे को बमनीडी अस्पताल लेकर गए। वहां बच्चे का ठीक से इलाज नहीं हो सका, जिसके बाद उसे जांजगीर जिला अस्पताल लेकर गए। वहां भी बच्चे की स्थिति में कोई सुधार नहीं आई तो तत्काल उसे सिम्स अस्पताल बिलासपुर लेकर गए, जहाँ इलाज के लिए बच्चे को भर्ती किया गया है। सिम्स अस्पताल पुलिस चौकी से बमनीडी को मेमो भेजा गया, जिसके बाद धारा 328, 307 भारतीय दंड विधान कैंप कर विवेचना में लिया गया। आरोपी महेंद्र कुमार बंजारे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने गुनाह कबूल किया है। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दी गई है। कार्रवाई में निरीक्षक गणेश सिंह राजपूत, सहायक उप निरीक्षक संतोष बंजारे, वीरेंद्र सिंह, दिनेश दास महान एवं थाना बमनीडी स्टाफ का योगदान रहा।